हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। तो मैं आ गई हूँ ट्रैवलिंग से वापस घर, और आज हमें कोर्ट भी जाना है। कोर्ट हम थोड़ा लेट से ही जाएंगे, तो तब तक मैं पार्सल ही अनबॉक्स कर लेती हूँ। तो हमारे घर पर आने से पहले से ही ये रखा हुआ था, तो इसमें आया है सूट विद दुपट्टा सेट। एक्चुअली इधर मैं इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी कि मुझे याद ही नहीं रहता है कि इसमें कौन सा पार्सल है। आप देख ही सकते हैं, इसमें रेड कलर का सूट है जो कॉटन में है और एकदम सिंपल है घर में वेयर करने के लिए। अभी कोर्ट जाने में टाइम है, तो तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ सुबह का। अब तो आम का सीजन भी लगभग ख़त्म हो ही गया है, तो दोनों प्राणी नाश्ता ख़त्म करने के बाद रेडी होने लगते हैं। कोर्ट में जाऊंगी साड़ी पहन के, तो दी साड़ी पहना रही है क्योंकि मुझे अभी तक साड़ी पहनना नहीं आता। डेली पहनती भी नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी ससुराल में हूँ तो मंथ में एक दो बार पहन लेती, मायके में तो एक बार भी साड़ी नहीं पहनती। साड़ी बहुत हैवी सा हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, नारी साड़ी में ही अच्छी लगती है। तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब हम निकल गए हैं, साथ में दी भी है और हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ से कोर्ट जाने में लगेंगे करीब आधा घंटा। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ। पापा हमारे से पहले से ही आ चुके थे, और हमारे साथ छुटकी भी आई है जो है दी की सबसे छोटी बेटी और मेरी जान। हम यहाँ 11 बजे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है बहुत टाइम लगने वाला है। पहले तो ये लोग बोलते हैं 2 बजे तक काम हो जाएगा, लेकिन बैठे बैठे 4 बज चुके हैं और अभी भी भीड़ है ही। ये सब जमीन रजिस्टर वाले हैं, लेकिन हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आए हैं, तो हमारा काम सबसे लास्ट में होगा। अब तो फ़ोन की बैटरी भी लगभग डेड होने वाली है, और जैसा कि यहाँ के स्टाफ ने बोला था हमारा काम सबसे लास्ट में होगा, तो सच में ये लोग इतना लेट कर देते हैं कि जिसकी हम सबको उम्मीद भी नहीं थी। लिटरली ये लोग 7 बजा देते हैं हमारा काम करने में, और घर आते आते आप देख ही सकते हैं रात हो गई है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, जिस काम के लिए हम लोग गए थे वो फाइनली हो गया। हस्बैंड की छुट्टी भी लगभग खत्म हो गई है, यहाँ से जाने के बाद क्वार्टर के लिए अप्लाई कर देंगे, तो मैं फौजी साहब के साथ रह सकती हूँ। घर आने के बाद मैं बनाती हूँ एकदम सिंपल सा ही खाना, जिसमें है झींगा की सब्जी और रोटी। इससे ज्यादा मुझसे कुछ बन नहीं पाता है, क्योंकि हम पूरा दिन गाड़ी में बैठे बैठे थक जाते हैं और रात भी बहुत हो गई है। गांव में 8-8:30 बजे तक लोग खा पी के सो भी जाते हैं। The next morning. अभी सुबह के बज रहे हैं 5, और हम लोग छत पर ही वॉक कर रहे हैं। आज का मौसम भी क्लाउडी सा है, लेकिन मुझे चैन का है। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ खाना बनाने। तो आज खाने में बनाती हूँ कढ़ी चावल। इतने में बारिश भी होने लगती है, तो हम सारे मिलकर बारिश के खूब मजे लेते हैं। तो ओके गाइज, आपसे मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।